नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं मांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूं कृष्ण जी के रहस्य से जुड़े बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आपने कभी नहीं जाना होगा। वैसे आप क्या जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रंग के बारे में कि उनका रंग सांवला क्यों है? जाहिर सी बात है आप नहीं जानते होंगे, लेकिन चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिरकार श्री कृष्ण हमेशा हमें नीले रंग के क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या घर में लगे चित्र देखते हैं तो उनके शरीर का रंग नीला और श्याम दिखता है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला व श्याम सा क्यों है? इस नीले रंग का क्या रहस्य है? तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के नीले और श्याम रंग से जुड़ी हिंदू और पौराणिक कहानियों के बारे में। दोस्तों, पहली जो मान्यता है वो ये है कि भगवान विष्णु समुद्र में शेषनाग पर विराजमान है और उनका संबंध पानी से भी है, इसलिए श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनका भी रंग नीला है। साथ ही साथ जब श्री कृष्ण ने आम जनमानस की रक्षा के पुतना का वध किया था, पुतना राजा कंस के कहने पर गोकुल के बच्चों को स्तनपान के बहाने विषपान करा रही थी, लेकिन श्री कृष्णा पुतना की सच्चाई जान चुके थे और उन्होंने पुतना को मारने के लिए उसका स्तनपान किया था। इस विष को पीने से श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया था। दोस्तों, यमुना नदी में एक कालिया नाम का सर्प रहता था। उस कालिया नाग के 5 मुख थे, जिसने अपने विष से पूरी नदी का जल विषैला कर दिया था। कोई भी गांव वाला जब नदी में जाता था तो वह कालिया के विष का शिकार हो जाता था। जब श्री कृष्ण ने इस सांप से लड़ाई की तो उस सांप से निकले नीले रंग के विष ने श्री कृष्ण के शरीर का रंग पूरा नीला कर दिया। एक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के रंग को प्रस्तुत करते हैं। यह मनुष्य को मन की शांति और स्थिरता का आभास कराता है। यह श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की विशालता का प्रतीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का रंग भी श्याम और नीला है। तो वह हिंदू पौराणिक कथाओं में हर उस व्यक्ति को नीले रंग का दिखाया गया है जो बुराई का संहार करते हैं। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल स्थापित किए थे जिनका रंग काला और सफेद था। काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ था, जबकि सफेद बाल से बलराम का जन्म हुआ था। कृष्ण का संस्कृत भाषा में अर्थ काला या श्याम होता है, इसलिए सभी स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण को श्याम और नीले रंग का प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, दूसरा रहस्य बारे में आप कम ही जानते होंगे और वो रहस्य है श्री कृष्ण के बारे में 786 नंबर से जुड़ा हुआ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 786 तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, 786 नंबर का संबंध जो है वो श्री कृष्ण से भी है। चलिए बताते हैं कैसे। आमतौर पर लोग 786 नंबर को इस्लाम धर्म से जोड़कर देखते हैं और उनकी नज़र में 786 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वहीं अधिकतर लोग इस नंबर के नोट अपने पास सहेज कर भी रखते हैं, तो वहीं कई लोग अपनी गाड़ियों का भी नंबर यही रखते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म के लोग 786 नंबर को बिस्मिल्लाह के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम को लिखने पर उसका योग 786 बनता है, और यही वजह है कि इस नंबर को इस्लाम में सबसे पाक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नंबर का हिंदी में 786 नंबर की आकृति पर अगर गौर किया जाए तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम नजर आता है। वहीं पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों की 3-3 यानी 6 उंगलियों से बजाया करते थे। वहीं पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों की 3-3 यानी 6 उंगलियों से बजाया करते थे और वे देवकी के 8वें पुत्र थे। और यदि आप इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि इनका कुल योग 786 आएगा। तो इस तरीके से है श्री कृष्ण का 786 नंबर से संबंध, और ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं हिंदू में भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, तीसरे रहस्य की अगर बात की जाए तो तीसरा रहस्य भी बेहद खास है, क्योंकि इस तीसरे रहस्य के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को
फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैं दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारका को, यह सवाल अभी भी आज तक बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1588 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अमूमन कम ही लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आशा करती हूँ आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा।